नमस्कार दोस्तों, देखने में ये आ रहा है कि जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वैक्स यानी कि कान के अंदर मैल के बारे में चर्चा की थी, आज वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी लोग वटाइगो यानी कि चक्कर के बारे में काफ़ी भ्रांतमय है। भ्रांति क्या है? चक्कर मतलब ये होता है कि चक्कर कई बार अनसर्टेनिटी की वजह से भी आ जाते हैं। जैसे मान लो लाइफ में हमको परीक्षा देनी है, परीक्षा में अपन ये सोच रहे हैं कि हमको जो है पास होंगे कि फेल होंगे, अच्छे नंबर आएंगे कि फेल आएंगे, तो ऐसे में क्या है कि आदमी को एंग्जाइटी हो जाती है। जब भी किसी चीज़ का कंफ्यूजन होता है तो आदमी को क्या एंग्जाइटी होती है, उस केस में भी चक्कर आ सकते हैं। कई बार आदमी को गर्दन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए भी चक्कर आ जाते हैं। कई बार सिर में कोई चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। कई बार बीपी हाई हो जाता है, उसकी वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। पर क्योंकि मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कान के जो है दो फंक्शन होते हैं, एक बैलेंसिंग और एक सुनना। जो अब कान के क्या है, तीन भाग होते हैं, एक बाहरी कान, एक बीच का कान जिसको हम लोग मिडल ईयर बोलते हैं, एक अंदर का कान जिसको हम इनर ईयर बोलते हैं। वो इनर ईयर के अंदर दो ऑर्गन्स रहते हैं, एक होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो बैलेंसिंग करती हैं, और एक होता है कॉकलियर जो आदमी को सुनाता है। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो भगवान ने ऐसी बनाई हैं, वो छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं जिनमें समझ लीजिए कि पानी यानी कि फ्लूइड भरा हुआ होता है। जब अपन लोग गर्दन को घुमाते हैं तो वो फ्लूइड जो है एक सतह पर फिसलता है। जैसे ये पानी की बोतल है, तो इसको जब हिलाएंगे जब भी तो पूरा टच करेगी, वो टच करता है जिससे कि बैलेंस होता है। इसका इम्पोर्टेंट एग्जांपल सबसे वो है जब अपन लोग झूले में झूलते हैं तो अपन को एकदम झूला अगर रुक जाए तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों? कि इसलिए आ जाते हैं कि जो अपना एकदम हम लोगों तो मूवमेंट रोक दिया, जो अपनी कैनाल्स रहती हैं उनका काम रहता है मूवमेंट्स के टाइम पे आपको बैलेंस करना। और जब आप एकदम मूवमेंट रोक देते हैं तो होता क्या है कि मूवमेंट तो रुक जाता है पर पानी फिर भी ऐसे ऐसे हो रहा होता है, तो आपको महसूस होता है कि मैं घूम रहा। तो मतलब कहने का ये है कि कान का फंक्शन बैलेंसिंग भी है और सुनना भी है। इसलिए जब आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप किसी नाक कान गले डॉक्टर से मिलकर, कई जांचें होती हैं और कुछ साधन रहते हैं जिनसे वो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जिनका कि पूरा हॉस्पिटल है, वो लोग जांच करके इतना आपको बता सकते हैं कि आपको कान की वजह से चक्कर आ रहे हैं कि और किसी वजह से चक्कर आ रहे हैं। पर चक्कर आने से घबराने की बात नहीं है। चक्कर का कुछ तो चीज़ें होती हैं जो दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ एक्सरसाइज रहती हैं जिनकी वजह से वो जो है चक्कर ठीक हो जाते हैं। अलग अलग मैन्यूअल मतलब तरीके रहते हैं एक्सरसाइज करने से। मेन मकसद यही होता है कि जैसे मैंने आपको बॉटल का एग्जांपल दिया, आप लोग जब भी सोते हैं तो आप एक ही करवट सो जाते हैं, तो अगर आप एक ही करवट सोते रहेंगे तो फ्लूइड कैसे फैलेगा सब जगह, कैसे टच करेगा, कैसे हेयर उसमें जाएगा। तो आप हर वक्त कॉशियसली अवेयर होकर जो है अपनी करवट बदलें, कभी लेफ्ट कभी राइट, और दूसरा गर्दन को हिलाते रहें। मोस्टली चक्कर जो है आपके एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट प्रॉपर हाइड्रेशन से ठीक हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ भी रहती हैं जिनकी वजह से मदद मिल जाती है, मेन ठीक ये एक्सरसाइज से होते हैं। इसलिए चक्करों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सही डायग्नोसिस की, कहीं कान की वजह से तो नहीं है। अगर कान की वजह से हैं तो नाक कान गला रोग स्पेशलिस्ट से मिलें, वो आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।